हाय, मेरा नाम सुदीप्ति है। मैं गार्डनिंग करती हूँ और आप लोगों को गार्डनिंग के लिए मोटिवेट भी करती हूँ। अगर आप अपने घर में प्लांट्स रखते हो तो पता है क्या होता है, सबसे पहले तो प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं जिससे आपको फ्रेशनेस फील होती है। कभी भी आप प्लांट्स के पास जाओ, आप पार्क में जाओ, गार्डन में जाओ, बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। तो सेम ऐसा ही आपको भी होगा जब आप अपने घर में प्लांट्स रखोगे। दूसरी चीज़, प्लांट्स को आप कहीं भी रख दो, अपने किसी भी कॉर्नर पे, आप बैल्कनी में रखो या कहीं भी रखो, ये परफेक्ट डेकोरेशन का काम करते हैं। आप अपनी बैल्कनी में कुछ भी रख दो, कोई भी शोपीस रख दो, वो उतना खूबसूरत नहीं लगता है जितने खूबसूरत प्लांट्स लगते हैं। तीसरी चीज़, ये हमें जड़ी बूटियाँ देते हैं, ये मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, ये हमें हर्ब्स देते हैं। बड़े बड़े पेड़ नहीं, छोटे छोटे हर पेड़ पौधे में कुछ ना कुछ तो खासियत होती है जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होती है। एक चीज़ और, जब आप इनको अपने घर पे रखोगे, इनकी सेवा करोगे, पानी डालोगे, गुड़ाई करोगे, तो आपकी भी कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी होगी। तो प्लांट्स तो घर में रखने बहुत ज़रूरी है। अगर घर में प्लांट्स नहीं होते हैं, बहुत ही सूनापन लगता है। अब मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि सुदीप्ति, हमें आपके वीडियो देख के बहुत अच्छा लगता है, मन करता है गार्डनिंग करें, लेकिन हमने आज तक गार्डनिंग की नहीं है, शुरुआत किन पौधों से करें, आप ये बताओ। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 9 पौधे बताने जा रही हूँ जो आपके घर पे होने ही चाहिए। सालों साल चलने वाले पौधे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्डी प्लांट्स हैं और ये बहुत ही यूजफुल हैं आपके घर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। पहला पौधा इस कैटेगरी में आता है तुलसी का। अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हो तो पहला पौधा यही होना चाहिए। ये बहुत ही शुभ पौधा है, ये गर्मी वाला पौधा है, फरवरी से लेके अक्टूबर तक बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, अक्टूबर के बाद ये थोड़ा सा मुरझा जाता है। अगर आपने फरवरी में ही खरीद लिया था, बहुत अच्छे से केयर की है, तो ठंड में ये मुरझाएगा मगर ख़राब नहीं होगा। आप अगर इसकी थोड़ी सी केयर करेंगे, मैंने एक वीडियो बनाया है कि सर्दियों में पौधों को कैसे बचाएं। अगर आप उस हिसाब से केयर करेंगे, ओस से बचा के रखेंगे, कवर करके रखेंगे, अंदर रखेंगे, तो ये प्लांट फिर से फरवरी में ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। कम से कम 4 घंटे की धूप चाहिए। जब आपको इस पौधे की मिट्टी सूखी दिखे, आप तभी पानी दीजिएगा। कुछ लोग डेली तुलसी जी में पानी डालते हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन पौधे के हिसाब से आप देखो। अगर मिट्टी ऑलरेडी गीली है, फिर भी आप बार बार पानी दोगे तो इसकी जड़ें सड़ जाएंगी। तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक की जगह 2, 3 या 4 तुलसी जी के पौधे ले लो। जब भी आपको जल डालना हो, आप देख लो जिसकी मिट्टी सूखी है, आप उसमें डालो, तो इससे आपका प्लांट भी खराब नहीं होगा। अगर आप मिट्टी का या सीमेंट का गमला लाते हैं, 12 इंच का गमला मोर देन सफिशिएंट है, इसमें आप तुलसी जी को लगाएं, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये एक बहुत ही शुभ पौधा है, घर में बहुत ही पॉजिटिविटी लाता है। वास्तु के अलावा ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। तुलसी की पत्तियों का हम काढ़ा पीते हैं, चाय में डाल के पीते हैं, इससे सर्दी जुकाम बहुत सी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। एक छोटी सी टिप है इस पौधे के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपका ये पौधा बिल्कुल बिना मुरझाए सालों साल चले, तो इसके जो फूल हैं, जो बीज बन रहे हैं, आप प्लीज़ उनको कट करते रहें। अगर ये फूल बीज बन गए और बीज मैच्योर हो गए, तो जो मदर प्लांट है, जो मेन प्लांट है ना, वो मुरझाने लगता है। अगर आप उस मेन प्लांट को अच्छा रखना चाहते हो, हरा भरा रखना चाहते हो, तो वो जो मंजरी होती है, आप उनको तोड़ते रहो। दूसरा पौधा इस कैटेगरी में आता है करी पत्ता का। करी पत्ता भी एक गर्मियों वाला पौधा है, फरवरी से लेके अक्टूबर तक बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। जब सर्दियां आती हैं तो ये प्लांट बिल्कुल भी मरता नहीं है, ये थोड़ा सा स्ट्रेस में जाता है, इसकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं, काली होने लगती हैं, झुकने लगती हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेजान हो गया है। फिर जैसे ही फरवरी आएगी, आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, ये प्लांट फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। वैसे तो आप इसको जितने बड़े गमले में लगा सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि एक्चुअली इसका पेड़ होता है, लेकिन अगर आप 12 इंच के गमले में इसको लगाते हो, मिट्टी के या सीमेंट के, प्लास्टिक के, सेरामिक में, जिसमें भी लगाओगे, ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा।
मेरे हिसाब से अगर आप इसको मिट्टी के गमले में लगाओगे, 12 इंच का मिट्टी का गमला इसके लिए बहुत अच्छा है। पानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। जब आपको इसकी मिट्टी सूखी दिखे तभी आप पानी दें। एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसको गुड़ाई करते रहें। करी पत्ता को आप जितनी धूप दोगे उतनी अच्छा है, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितनी भी आपकी बैल्कनी में धूप आती है आप इस धूप में इसको रखो, ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है, इसको डॉक्टर सेंसिटिव कहते हैं। सेंसिटिव इसलिए क्योंकि इसकी जड़ें अगर डिस्टर्ब हो गई तो ये प्लांट खराब होने लगता है, और डॉक्टर इसलिए क्योंकि इसके बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। आप पोहा बनाओ, सांभर बनाओ, बहुत सारी चीज़ों में इसकी पत्तियों का इस्तेमाल होता है क्योंकि इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। एक छोटी सी टिप है, जब भी आप करी पत्ता की पत्तियाँ यूज़ करना चाहते हो कभी इस तरीके से छीलोगे नहीं, आप पूरी पूरी डंडी तोड़ोगे, और नीचे से, क्योंकि प्लांट ऊपर की तरफ से नई पत्तियाँ निकालता है और नीचे पुरानी पत्तियाँ हैं, तो आप नीचे की पत्तियाँ तोड़ोगे, ऊपर की अभी नई है, फ्रेश है, उनको नहीं तोड़ना है, नीचे की पत्तियों को तोड़ना है। दूसरी चीज़, अगर आप अपने करी पत्ता को बहुत घना बनाना चाहते हो तो आपको करी पत्ता को ऊपर से इस तरीके से पिंचिंग करनी है। इस तरीके से पिंचिंग करने से यहाँ से और ब्रांचेस निकलती हैं और करी पत्ता बहुत घना हो जाता है। एक छोटी सी टिप है, अगर आपके करी पत्ता में फ्लेवर नहीं आ रहा है या खुशबू एरोमा नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर सकते, थोड़ा सा 3-4 चम्मच छाछ लो, पानी में मिक्स करो और मिट्टी में डाल दो, फिर आप देखो क्या खुशबू आती। तीसरा प्लांट है अजवाइन का पौधा। सबसे पहली चीज़ जो हमारे मसालों में अजवाइन यानी कि जो कैरम सीड्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। ये जो अजवाइन का पौधा है ये बिल्कुल अलग है। इसको अजवाइन का पौधा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अजवाइन की खुशबू होती है। वैसे इसका नाम मैक्सिकन मिंट या इंडियन बोरेज है। आप अगर नर्सरी में अजवाइन का पौधा मांगोगे तो आपको यही वाला मिलेगा। दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों को अजवाइन का पौधा कहा जाता है। ये भी एक गर्मी वाला पौधा है, गर्मी में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। ठंड जब आती है तो इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है, पत्तियाँ थोड़ी सी ब्लैक हो जाएंगी, पत्तियों में जो शाइन है वो कम हो जाएगी, थोड़ी सी पत्तियाँ मुरझा जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पत्तियाँ ही नहीं मिलेंगी, अगर आप सही से केयर करोगे सर्दियों में तो आप सर्दियों में भी इसकी पत्तियों का लुफ्त उठा सकते हो। अजवाइन को एटलीस्ट 2 से 3 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर आप जितनी धूप देना चाहो उतना अच्छा है। इसके लिए भी 12 इंच का गमला मोर देन सफिशियंट है। देखो, आप अजवाइन को एक 6 इंच के, 8 इंच के गमले में भी लगा सकते हो, लेकिन जब आप बड़े गमले में लगाओगे तो ये बहुत अच्छे से फैलेंगी और इसकी पत्तियाँ खूब बड़ी बड़ी हो जाएंगी। इसकी पत्तियों को देखो आप, वेलवेट जैसा टेक्सचर होता है। इसको पानी की उतनी ज़रूरत नहीं होती है जितनी बाकी आउटडोर प्लांट्स को ज़रूरत होती है। जब आपको इसकी मिट्टी सूखी दिखे आप तभी पानी देना। ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है, जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, खाली पेट इसकी कुछ पत्तियां खाते हैं, काफ़ी फ़ायदा मिलता है। दूसरी चीज़, इसकी बहुत सारी डिशेस बनती हैं, लोग चाय में डाल के पीते हैं, पकौड़े खाते हैं, बहुत सारी डिशेस बनती हैं। जब प्याज लहसुन नहीं खाना होता है इसकी पत्तियों को डाल के आप बनाओ सब्जी या कोई भी डिश बनाओ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बिल्कुल ऑर्गेनो का फ्लेवर होता है। इसके लिए एक छोटी सी टिप है, एक छोटा सा पौधा आप लेके आओ, बहुत सस्ता, 20 या 30 रुपए का नर्सरी में मिलेगा। इसकी कटिंग से आप न जाने कितने पौधे बना सकते हो। इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान है, तो ये पौधा आपके घर में होना ही चाहिए, एक बहुत अच्छा पौधा है। चौथा पौधा इस कैटेगरी में आता है गिलोय का। ये भी एक गर्मी वाला बेल वाला पौधा है, इसको सपोर्ट चाहिए बढ़ने के लिए, बेल की तरह बढ़ता जाता है, पूरी गर्मी बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। जैसे ही सर्दी आती है ये मुरझाने लगता है, सर्दियों में ये काफ़ी स्ट्रेस में जाता है, एक भी पत्ती नहीं बचेगी, सिर्फ डंडी डंडी बचेगी। फिर जब गर्मी आएगी तो फरवरी मार्च में तो नहीं, लेकिन जैसे ही गर्मी तेज़ होती जाएगी इसमें नई नई ग्रोथ दिखेगी और फिर वो बहुत तेज़ी से बढ़ना चालू हो जाएगा। तो जिस भी गमले में आपने इसको रखा है आप इसको डिस्टर्ब नहीं करो, जैसे ही अपना सीज़न आएगा ये अपने आप ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। इसको अच्छी खासी धूप चाहिए, आपकी बैल्कनी में जहाँ भी सबसे ज़्यादा धूप आती है आप इसको वहाँ पर रखो। पानी की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है,
जब आपको लगे कि काफी दिन हो गए हैं और इसकी मिट्टी सूख गई है, आप इसमें तभी पानी देना। ये 12 इंच के गमले में बहुत आराम से ग्रो करेगा। पहली चीज तो ये है कि इसकी पत्तियां इतनी बड़ी होती है, ऑब्वियस है कि ज्यादा ऑक्सीजन देता है तो पॉजिटिविटी फ्रेशनेस आती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसकी डंडी आप थोड़ी सी काटो, उसको कूटो, उबालो और पी लो, बहुत फायदा मिलता है। जब पेंडेमिक आया था तो गिलोय की इतनी ज्यादा डिमांड थी, उसमें लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि गिलोय को कैसे लगाते हैं, कैसे उगाते हैं, कैसे केयर करते हैं। ये प्लांट मिल ही नहीं रहा था, मिल भी रहा था तो इतना महंगा मिल रहा था कि पूछो मत। तो इसलिए पहले से ही आप इस प्लांट को लगा के रखो। जैसे अब टमाटर बहुत महंगे, तो अभी आप टमाटर लगाओगे तो क्या फायदा, 4-5 महीने बाद ही मिलेंगे ना। पहले से अगर टमाटर लगाए होते तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये प्लांट आपके घर पे होना ही चाहिए। 5वां पौधा इस कैटेगरी में आता है एलोवेरा का। एलोवेरा सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ऑब्वियसली है सर्दी में थोड़ी सी इसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन बेस्ट सीजन इसके लिए है ऑटम, यानी कि पतझड़। ये जो ठंड के पहले का सीजन आता है, इसमें एलोवेरा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसको भी ओके धूप चाहिए। अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए धूप में रखते हैं बहुत अच्छा है, अदरवाइज एटलीस्ट 2-3 घंटे की धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत तेज़ धूप में नहीं रखिएगा, लेकिन जो अच्छी धूप होती है, सुबह की धूप या शाम की जाती हुई धूप में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसके लिए पॉट ऐसा होना चाहिए जो बहुत गहरा ना हो। इसकी जड़ें बहुत गहरी नहीं होती, लेकिन ये फैलता है, तो इसको एक ऐसी चीज़ में रखिएगा आप जो काफ़ी चौड़ा हो। जैसे आप टब में रख दो या आप किश्ती में लगा दो, ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। ये एक सकलेंट है, ज़ेरोफिटिक प्लांट है, मतलब इसको पानी की ज़रूरत ना के बराबर होती है। आप इसको पानी तभी देना जब आपको श्योर हो जाए कि अंदर तक की मिट्टी सूखी होगी, तो थोड़ा सा वेट करिएगा पानी देने के पहले, उसके बाद ही पानी दीजिएगा। ये एक मेडिसिनल प्लांट है। जोड़ों में दर्द है, पेट में दर्द है, या आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इसका जेल से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। प्लस ये एक कॉस्मेटिक प्लांट भी है। फेस पे, बालों में लोग इसको लगाते हैं। नॉट इवन अगर स्किन बर्न हो गई है, टैनिंग हो गई है, या खाना बनाते समय भी कभी मेरी स्किन जल जाती है, तो मैं तुरंत इसका जल लगाती हूँ, बहुत आराम मिलता है। ये प्लांट आपके घर में होना ही चाहिए। इसके लिए एक छोटी सी टिप है, आप इसको जितना ज़्यादा इग्नोर करोगे ये उतने अच्छे से बढ़ेगा। बीच बीच में पानी दे दो, बट वैसे बहुत ज़्यादा केयर मत करो, फिर आप देखना क्या ग्रोथ होती है। 6ठा पौधा इस कैटेगरी में आता है मनी प्लांट। ये पोथोस की कैटेगरी में आता है। बहुत सारी वैरायटीज होती है मनी प्लांट की। ये भी एक टिपिकल समर प्लांट है, गर्मियों वाला पौधा। देखिए, इंडिया के बहुत से पार्ट्स में ठंड नहीं होती है, वहाँ पर ये जितने भी प्लांट्स हैं पूरे साल बढ़ते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में चूँकि विंटर्स आती है और बहुत ख़तरनाक आती है, तो उसमें ये प्लांट्स थोड़ा सा स्ट्रेस में जाते हैं। मनी प्लांट भी गर्मी में तो बहुत अच्छे से बढ़ता है, जैसे ही ठंड आती है अचानक से मर नहीं जाएगा, ख़राब नहीं हो जाएगा, लेकिन इसकी पत्तियों का साइज़ छोटा होने लगता है, ग्रोथ बिल्कुल ऐसा लगता है बहुत स्लो हो गई है, पत्तियाँ काली पड़ने लग जाती हैं, गलने लग जाती हैं। आप अगर इसकी सही से केयर करो, इसको थोड़ा अंदर रखो, ओस से बचा के रखो, जब ओले गिरते हैं, बारिश होती है तो उससे बचा के रखो, तो ये प्लांट ठीक रहेगा। जैसे ही फेब्रुअरी आएगी आप कटिंग कर दो, ये फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। मनी प्लांट के लिए बेस्ट सीजन होता है मॉनसून, यानी कि बरसात का सीज़न। धूप इसको बहुत तेज़ नहीं चाहिए, 2-3 घंटे की छनी हुई धूप हो, बहुत तेज़ धूप नहीं हो, ये बहुत आराम से ग्रो करता है। पॉट आप इसको 5 इंच के गमले में भी रख सकते हो, 6 इंच में भी, 10 इंच में भी, 12 इंच में भी, आप जितने में भी रखो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। मैंने जिन पौधों को 12 इंच के पॉट में रखा है उनको मैं कभी भी रीपॉट नहीं करूँगी, वो 12 इंच में ही खूब आराम से ग्रो करता है। मनी प्लांट को रूट बाउंड पसंद। इसकी एक खासियत है, आप इसको हैंगिंग में लगा सकते हो, मॉस स्टिक का सपोर्ट देके छोटे से गमले में लगा सकते, पानी में भी इसको बहुत आराम से लगा सकते हो। पानी की ज़रूरत जब आपको लगेगी आप तभी देना, ज़्यादा पानी देने से ये प्लांट ख़राब हो सकता है। सबसे पहली चीज़, ये एक लकी प्लांट है, कहते हैं कि किस्मत चमकती है। दूसरी चीज़, ये काफ़ी पॉजिटिविटी देता है, ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज करता है। ऑब्वियसली सारे प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन इसकी लीव्स का साइज़ बड़ा होता है, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, ज़्यादा ऑक्सीजन,
और एक चीज़ और है कि ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, काफ़ी बुशी सी, काफ़ी हरी हरी हरियाली बढ़ा देता है, तो ये प्लांट भी आपके घर पे होना ही चाहिए। सातवां पौधा इस कैटेगरी में आता है जेड प्लांट का। ये भी एक टिपिकल समर प्लांट है, लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं है कि ये खराब हो जाएगा। ये थोड़ा सा अपनी ग्रोथ स्लो कर देता है, पत्तियाँ इसकी झड़ने लगती हैं, स्टेम इसकी वीक वीक दिखेगी, लेकिन अगर आप सही से केयर करोगे तो ये सर्दियों में भी हरा भरा रहता है। ये एक इंडोर प्लांट नहीं है, आप इसको अपने घर के अंदर मतलब वॉशरूम में, किचन में, ड्राइंग रूम में नहीं रखोगे। ये एक टिपिकल आउटडोर प्लांट है, इसकी केयर सेम वैसे ही करनी है जैसे एलोवेरा की होती है। आप इसको 2 घंटे से लेके 8 घंटे के बीच में जितनी भी सनलाइट दे दो, इसके लिए बहुत अच्छा है। आप इसको कितने भी बड़े पॉट में रखो, ये बहुत आराम से ग्रो करता है। मैंने इसको छोटे से पॉट में भी रखा है, एक हैंगिंग में भी रखा है, ये इतने बड़े पॉट में भी रखा है। आप इसको जिसमें भी रखो, जहाँ भी रखो, ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। वैसे आप नर्सरी से अगर इसके लिए पॉट लाने जा रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप 8 से 12 इंच के बीच में कितने भी साइज के पॉट में इसको रख सकते हो। ये भी एक सकलेंट है, इसको पानी बहुत कम चाहिए। थोड़ा रोक के जब ज़रूरत हो, जब आपको लगे कि अच्छे से अंदर मिट्टी सूख गई होगी, आप तब इसको पानी दो, ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आप बार बार ज़्यादा पानी दोगे तो इसकी पत्तियाँ झड़ने लगेंगी और पत्तियाँ काली पड़ने लगेंगी और हो सकता है कि इसमें कीड़े भी लगने लगें। तो पानी थोड़ा रोक के दें, मगर जब भी दें अच्छे से दें। ये एक लकी प्लांट है और मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ है कि इससे सच में किस्मत चमकती है। और दूसरी चीज़, ये देखने में बहुत प्यारा लगता है। आप इसको घर में रखोगे ना तो एक अलग ही रौनक आती है घर पर। ये प्लांट भी आपके घर पर होना ही चाहिए। आठवां पौधा इस कैटेगरी में आता है फूलों वाला गुड़हल का पौधा। जब हम घर में गार्डनिंग करते हैं तो हमें फूल भी चाहिए ना, तो उसमें नंबर 1 आता है हिबिस्कस का। ये एक टिपिकल गर्मी वाला पौधा है, सर्दियों में थोड़ा सा स्ट्रेस में जाता है। देखिए, अगर आपका पौधा नया है, 5-6 महीने पहले खरीदा था, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस में जाएगा या हो सकता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में जाए, लेकिन जैसे ही फरवरी आएगी आप इसकी कटिंग कर देना, ये फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर आपका पौधा पुराना है, जैसे मेरे जितने भी गुड़हल के पौधे हैं काफ़ी पुराने हैं, ये सर्दियों में भी फूल देते हैं। थोड़ा सा फूलों का साइज़ छोटा होता है, लेकिन फूल आते हैं। 5 से 6 घंटे की धूप इसको अगर आप दोगे तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। 12 इंच का गमला मोर देन सफिशिएंट है। 12 इंच के गमले में गुड़हल के पौधे बहुत आराम से ग्रो करते हैं, चाहे वो हाइब्रिड हो चाहे वो देसी हो। इसके लिए पानी का बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल बैलेंस्ड पानी चाहिए। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी दोगे तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, कलियाँ बनेंगी भी तो गिर जाएंगी, फूल नहीं खिलेंगे। ज़्यादा पानी देने से इसमें कीड़े की प्रॉब्लम भी हो सकती है, एफिड्स मिलीबग भी लग सकते हैं, जड़ें सड़ जाती हैं। और अगर आप इसमें कम पानी दोगे तो प्लांट ही नहीं बचेगा, प्लांट मुरझा जाएगा, फ्लावरिंग तो बहुत दूर की बात है। इसको बैलेंस्ड पानी चाहिए। आप देखो, जब आपको लगे कि ऊपर की मिट्टी सूख रही है, तब आप इसमें पानी दे दो। अगर आपको डेली फूल चाहिए होते हैं तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाओ। 12 इंच के गमले में भी अगर आपने सही से प्रूनिंग की है, सही से खाद दी है, सही से केयर की है, तो आपको एक दिन में 8 से 10 गुड़हल के फूल मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है, इसके फ्लावर से बहुत सारे दवाइयाँ, बहुत सारे हेयर ऑयल बनते हैं। ये प्लांट आपके घर में होना ही चाहिए। एक छोटी सी टिप है, अगर आप इस प्लांट को अच्छे से ग्रो करना चाहते हो तो हर हफ्ते नीम ऑयल का या नीम की पत्तियों का काढ़ा बना के इसके ऊपर स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि ये पौधा हमें ही नहीं, कीड़े मकोड़ों को भी बहुत पसंद है। आखिरी पौधा इस कैटेगरी में आता है मोगरा का, यानी कि जैस्मिन। ये भी एक टिपिकल गर्मी वाला पौधा है, गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, लेकिन जब ठंड आती है तो इसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है। अगर प्लांट पुराना है तो सर्दियों में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि जो प्लांट मजबूत हो जाते हैं ना, तो सीजन का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इनके ऊपर। इनको अगर 3 से 4 घंटे की धूप मिल रही है तो इनके लिए काफ़ी है। छनी हुई अच्छी धूप में ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। 12 इंच का पॉट मोर देन सफिशिएंट है। जब ज़रूरत हो, जब मिट्टी आपको सूखी लगे, तब आप इसको पानी दे दो। बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। इसके मोती जैसे फूल
शाम को खिलते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं, इतनी अच्छी खुशबू लगती है। गजरा भी इसी के फूलों का बनता है। अगर आप योगा करते हो या आप मेडिटेशन करते हो या आपको थोड़ा भी स्ट्रेस है, आपने काम किया और फिर थोड़ी देर आप बालकनी में जाके बैठ गए जहाँ पर ये मोगरा है, बहुत अच्छा लगता है। बिलीव मी, अगर इसका एक प्लांट भी आपके घर में है ना, तो आपकी पूरी बालकनी महक जाएगी। ये प्लांट आपके घर पे होना ही चाहिए। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है, ये एक शुभ पौधा भी है, ये एरोमेटिक बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसकी एक छोटी सी टिप है, जहाँ पर भी फूल खिल चुके हैं आप उसमें ऊपर से प्रूनिंग कर दो, टिप काट दो, क्योंकि जो फूल खिल चुके हैं अब दोबारा नहीं खिलेंगे। जहाँ आपने कटिंग की है वहाँ नई ब्रांचेज आएंगी और नए फूल आएंगे। इसको आप बेल की तरह भी बना सकते हो और कटिंग करके नॉर्मल प्लांट की तरह भी रख सकते हो। ये 9 पौधे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वैसे इसके अलावा और भी बहुत से पौधे हैं, जैसे हर श्रृंगार है, शमी का पौधा है, अपराजिता है। वैसे तो सारे ही पौधे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग के लिए 9 पौधे बताए हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। आप अगर देखना चाहते हो कि इन सारे प्लांट्स की पर्टिकुलर केयर कैसे होती है, कैसे पानी, कैसे मिट्टी, कैसे गुड़ाई, कैसे क्या, तो उस पे मेरे चैनल पे वीडियो है, आप इन सारे प्लांट की इन डिटेल केयर देख सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपके काम का है और आपको लगता है कि इस वीडियो से बहुत लोगों को मदद मिलेगी, तो ये वीडियो प्लीज़ आप जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।